हेलो गाइस, दिस इज अभिषेक कुमार सिंह। वंस अगेन यू वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एक्सपर्टीज। आज की जो हम सीरीज शुरू करने जा रहे हैं बेटा, वो डी ट्रिपल एस पी पीजीटी ज्योग्राफी के एग्जाम्स की सीरीज जो है वो हम शुरू करने जा रहे हैं। सभी क्वेश्चंस ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, इसीलिए जो बच्चे वीडियो पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सारी सीरीज हम प्रैक्टिस की लाने वाले हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। और आपका एग्ज़ाम 2024 में हो जाएगा, जैसा कि आप जान चुके हैं कि DSSSP का नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है, तो इसीलिए हम वीडियो को आज से शुरू कर रहे हैं। सो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, आप यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख सकते हैं कि वेयर इज द क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क लोकेटेड। यानी जो क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क जो है वो भारत के कौन से राज्य के अंदर मौजूद है? तो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूँ क्लाउडेड लेपर्ड की, तो बेटा ये जो क्लाउडेड लेपर्ड है वो आपको बी ऑप्शन यानी त्रिपुरा में देखने को मिलते हैं। ठीक है, कहाँ पर? त्रिपुरा में आपको ये देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, सो जो आपके क्लाउडेड लेपर्ड है बेसिकली ये सेफा जाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो त्रिपुरा में है वहां पर मिलते हैं। याद रखिएगा, सेफा जाला जो आपके नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है? त्रिपुरा के अंदर है, और वहीं पे आपको क्लाउडेड लेपर्ड देखने को मिलते हैं। और ये जो नेशनल पार्क है बेटा वो ऑलमोस्ट 5.08 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के अंदर फैला हुआ है, और यहाँ पर 4 स्पीसीज ऑफ प्राइमेट मंकी की देखने को मिलती है। यानी ऑलमोस्ट 4 जो प्रिमिटिव मंकी की टाइप्स हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं इस नेशनल पार्क के अंदर। ठीक है, द नेशनल पार्क इज 28 किलोमीटर फ्रॉम द स्टेट्स कैपिटल। यानी जो स्टेट की कैपिटल है त्रिपुरा की वो कौन सी है? अगरतला है। ठीक है, तो अगरतला से ऑलमोस्ट 28 किलोमीटर दूर आपको ये नेशनल पार्क देखने को मिल जाता है। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच इज द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। तो भारत का सबसे पुराना जो नेशनल पार्क है वो कौन सा है? आपके ऑप्शंस दिए गए हैं रामगंगा नेशनल पार्क, अनाईमुड़ी शोला नेशनल पार्क, बाइसोन नेशनल पार्क एंड गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क। तो इनमें से कौन सा जो नेशनल पार्क है वो ओल्डेस्ट है? तो ओल्डेस्ट नेशनल पार्क की बात अगर बेटा करें तो उसका उसमें जो है ए ऑप्शन यानी रामगंगा जो नेशनल पार्क है वो इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यानी आपका ए ऑप्शन जो है यहाँ पर बहुत ही करेक्ट जवाब है। तो अगर हम बात करते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की, ठीक है, तो जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उसी का नाम जो है वो चेंज करके रख दिया गया है राम गंगा नेशनल पार्क, ये भी याद रखिएगा। तो अगर आपको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ऑप्शन में मिले तो आपको वो क्लिक करना है, बट उसका नाम बदल के अब क्या रख दिया गया है, राम गंगा नेशनल पार्क के नाम से उसको रख दिया है। ठीक है, जो हमारे द यूनियन मिनिस्टर ऑफ द स्टेट फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट अश्विनी कुमार चौबे, ठीक है, तो ये जो उत्तराखंड की आपके एनवायरमेंट या फॉरेस्ट मिनिस्टर है जिनका नाम है अश्विनी कुमार चौबे, उन्होंने हिंट दिया था कि जो ये इंडिया का जो पहला नेशनल पार्क है वो ऑलमोस्ट 521 किलोमीटर यानी 521 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। ठीक है, और ये जो नेशनल पार्क है वो आपका कहाँ है? उत्तराखंड में है, ये भी याद रखेंगे आप लोग। बहुत ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते रहेंगे। और अगर आपको ये पीडीएफ पानी है तो हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, वहाँ से आपको ये पीडीएफ इजीली अवेलेबल हो जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ द लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन इंडिया। तो भारत का जो सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? ठीक है, सबसे बड़े की बात हो रही है तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी एंड रन ऑफ कच्छ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा यहाँ पर डी ऑप्शन, कच्छ जो है वो सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो जो कच्छ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है बेटा वो कहाँ पर है? ग्रेट रन ऑफ कच्छ में है, जो कि कच्छ डिस्ट्रिक्ट यानी गुजरात के अंदर मौजूद है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूँ तो सॉल्ट का प्रोडक्शन भी यहीं पे होता है, और सबसे ज़्यादा ड्राइएस्ट एरिया की कैटेगरी भी इसी को मानी जाती है, और ये EMRS के एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो हुआ क्या था कि इसको सेंचुरी जो है फरवरी 1986 में बना दिया गया था। ठीक है, इट इज़ द लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द साइज। यानी साइज के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करता हूँ सबसे जो लार्जेस्ट है वो आपका कौन सा हो जाएगा? रन ऑफ कच्छ हो जाएगा।
इसी प्रकार आप अगला प्रश्न देख लीजिए। आपका अगला प्रश्न है कि विच स्टेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क इन इंडिया। तो भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर आपको सबसे ज्यादा नेशनल पार्क देखने को मिल जाते हैं। आपके ऑप्शंस रहेंगे असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और हरियाणा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा बेटा वो सी ऑप्शन रहेगा, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के अंदर आपको सबसे ज्यादा नेशनल पार्क देखने को मिल जाते हैं, ये चीज याद रखिएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हम मध्य प्रदेश में सेंचुरी की बात कर रहे हैं, तोरणमल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, फिर है रावल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मेलघाट टाइगर रिजर्व, सतपुरा नेशनल पार्क, देहगोम, बमोरी रेंज, ठीक है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क जहाँ डायमंड मिलता है ये भी याद रखेंगे, ठीक है, पन्ना में डायमंड का प्रोडक्शन होता है, फिर संजय नेशनल पार्क आपका, कान्हा टाइगर रिजर्व, बालाघाट फॉरेस्ट रेंज एंड पीच नेशनल पार्क। तो ये कुछ इस तरीके के आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि आपका एमपी के अंदर मौजूद है। ठीक है, फिर आप अगला प्रश्न देखेंगे विच इज द स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन इंडिया। देखिए हमने सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात कर ली है, तो भारत का सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे मयूरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड सोन घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है बेटा वो आपका ए ऑप्शन है, मयूरेश्वर वन्य जीव अभयारण्य या फिर मयूरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि ये कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये बेटा पुणे डिस्ट्रिक्ट जो है आपका महाराष्ट्र का, ठीक है, तो पुणे यानी महाराष्ट्र का जो पुणे डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर ये मौजूद है और इसका जो निर्माण है वो 1997 में हुआ था, इसको इसकी जो बाउंड्री है वो 1997 में बनाई गई थी। ठीक है, तो आप अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पर दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल पार्क ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इनमें से कौन सा एक नेशनल पार्क जो है वो भारत के एक केंद्र शासित प्रदेश के अंदर मौजूद है, राज्य के अंदर मौजूद नहीं है। तो यहाँ ऑप्शंस देखेंगे नॉर्थ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, ऑरेंज नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क एंड साइलेंट वैली नेशनल पार्क। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ए ऑप्शन रहेगा, नॉर्थ बटन आइलैंड नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अंडमान निकोबार को कि नॉर्थ अंडमान में सैडल पीक है जो हाईएस्ट पीक है आपके कहाँ की, अंडमान निकोबार की। अगर मैं बात करता हूँ ये रहा मिडल बटन आइसलैंड नेशनल पार्क जो कि आपका कहाँ पर आ जाता है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में आ जाता है। वहीं पे नॉर्थ बटन आइलैंड, साउथ बटन आइलैंड, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, माउंट हैरियट नेशनल पार्क, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, तो आपको ये कुछ कैंपबेल बे नेशनल पार्क एंड गालाथिया बे नेशनल पार्क, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है जो कि आपका अंडमान एंड निकोबार पे है। तो इन सभी नेशनल पार्क के एक बार बेटा नज़र मार लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से रहने वाले हैं। फिर हम बात करते हैं कि विच इज़ द फर्स्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया। तो भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो यहाँ आपके ऑप्शंस दिए गए हैं बांदीपुर, श्री सलीम, सिमलीपाल एंड बक्सा। तो यहाँ पर अब बात करी जा रही है फर्स्ट टाइगर रिजर्व की, तो यहाँ पर अमीन चार ऑप्शंस में जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका बांदीपुर रहेगा। क्या रहेगा, बांदीपुर रहेगा। अब बांदीपुर जो नेशनल पार्क है बेटा बेसिकली वो कहाँ पर है, कर्नाटका के अंदर मौजूद है, ये चीज भी याद रखेगा। ठीक है, तो कभी कभी एग्जाम्स में आपके क्वेश्चन आता है कि ये नेशनल पार्क कौन सी स्टेट में है, तो बांदीपुर जो है वो कर्नाटका में है। ठीक है, और श्री सलेम जो है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ये कहाँ पर नेशनल पार्क है। फिर हम अगला प्रश्न देखते हैं कि विच नेशनल पार्क इज फेमस फॉर द लॉयंस। ठीक है, तो कौन सा नेशनल पार्क है शेरों के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। ऑप्शंस में देखेंगे काजीरंगा नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क एंड बांधवगढ़ नेशनल पार्क। तो यहाँ पे आपके चार ऑप्शंस में से एक ऑप्शन जो सही है वो बी ऑप्शन है, गिर नेशनल पार्क के अंदर आपको लॉयंस देखने को मिल जाते हैं जो कि आपका कहाँ पर है, गुजरात स्टेट के अंदर यानी गुजरात राज्य के अंदर मौजूद है, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं व्हाट इज नोन एज द क्वीन ऑफ रणथंबोर नेशनल पार्क। तो रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान की रानी के रूप में किसे जाना जाता है। ठीक है, तो मछली द टाइगर, उस्ताद द टाइगर, जंगल
जालिम द टाइगर एंड सितारा द टाइगर। ये बहुत ज्यादा यूनिक क्वेश्चन रहने वाला है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा बेटा, क्वीन ऑफ रणथंबोर नेशनल पार्क इज मछली द टाइगर। ठीक है, यानी आपका जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ये याद रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। मथिकेतन शोला नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो मथिकेतन शोला जो राष्ट्रीय उद्यान है बेटा, वो भारत के कौन से राज्य के अंदर है? ऑप्शंस में बात करेंगे तो कर्नाटका, केरला, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल दिया गया है। ठीक है, तो जो आपका मथिकेतन शोला नेशनल पार्क है वो बेसिकली बेटा आपका केरला के अंदर है, यानी बी ऑप्शन केरला के अंदर है, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, फिर अगला देखेंगे क्वेश्चन है, हीरापोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो हीरापोरा वन्य जीव अभयारण्य भारत के कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के अंदर स्थित है? तो ऑप्शंस देखते हैं, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या फिर गुजरात। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है बेटा आपका बी ऑप्शन जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन जो आपका जम्मू कश्मीर है वो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। तो आपका जो हीरापोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कहाँ पर है बेटा? वो आपका जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी है हीरापोरा, सोपियान डिस्ट्रिक्ट के अंदर है जम्मू कश्मीर में, जो कि पीर पंजाल रेंज में मौजूद है, और इसको नोटिफाइड किया गया था 1987 में, ये भी याद रखिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है आपके। फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर लोकेटेड इन। तो चांगथांग जो वन्य जीव अभयारण्य है वो कौन से राज्य के अंदर मौजूद है? तो नाम से ही पता लग रहा है बेटा वो लद्दाख राज्य के अंदर मौजूद है। ठीक है, तो लद्दाख राज्य के अंदर मौजूद है आपका चांगथांग वन्य जीव अभयारण्य, याद रखेंगे। ठीक है, तो ये फेमस क्यों है? टिबेटियन एंटीपोल्स के लिए, वाइल्ड याक के लिए, एंड स्नो लेपर्ड्स के लिए, एंड रेड फॉक्सेस के लिए। ये आपको कहाँ पर देखने को मिले? लद्दाख के चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ये एनिमल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। वहीं अगला प्रश्न जो आता है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ अंडमान एंड निकोबार। देखिए, नॉट पूछा गया है। अभी मैंने आपको सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में बताया जो कि आपके अंडमान आइलैंड्स के ऊपर मौजूद है, बट यहाँ पर पूछा गया इनमें से कौन सी नहीं है। देखिए, बैरल आइलैंड की बात करता हूँ तो बैरल आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी अंडमान निकोबार में है, रोवे आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी अंडमान में है, एंड बेम्बू आइलैंड भी सेंचुरी में है। बट अगर बात करता हूँ पिट्टी बर्ड सेंचुरी, तो ये बेटा मौजूद नहीं है। तो यहाँ डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है जो पिट्टी बर्ड सेंचुरी है, ये बेटा लक्षद्वीप के अंदर है, ये याद रखिएगा, जो कि सी बर्ड्स के लिए फेमस है। ठीक है, तो आपका पिट्टी बर्ड सेंचुरी जो है वो कहाँ पर है? ये आपका लक्षद्वीप के अंदर है। ठीक है बेटा, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, वेयर इज पोंग डैम लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड। तो पोंग बांध झील वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, पंजाब, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। तो पोंग डैम लेक जो है बेटा वो आपका कहाँ पर है? उसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन हिमाचल प्रदेश, ये चीज याद रखेंगे। तो हिमाचल प्रदेश पोंग डैम लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज नेम्ड इन ऑनर ऑफ महाराणा प्रताप। तो देखिए, इसका नाम जो पोंग डैम लेक रखा गया है वो महाराणा प्रताप के ऑनर में इसका नाम रखा गया था, ये भी याद रखिएगा। फिर अगला प्रश्न है कि सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन। देखिए, सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शंस देखते हैं बेटा, यहाँ पर गुजरात दिया गया है, आपका यहाँ हरियाणा दिया गया है, यहाँ केरला दिया गया है और यहाँ पर राजस्थान दिया गया है। तो जब भी सुल्तानपुर की बात आएगी बर्ड सेंचुरी की, तो उसका करेक्ट आंसर आपका क्या रहेगा? बी ऑप्शन रहेगा दोस्तों, याद रखिएगा, बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सुल्तानपुर जो बर्ड सेंचुरी है बहुत ज़्यादा फेमस है, किसके लिए? माइग्रेटरी और रेजिडेंट दोनों ही टाइप्स की बर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन, नेशनल चंबल सेंचुरी एंड माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर लोकेटेड इन। तो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य और माउंट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सी राज्य के अंदर मौजूद है? तो ऑप्शंस देखते हैं, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा,
राजस्थान। देखिए माउंट आबू जो है नाम से ही पता लग रहा है कि ये कहाँ पर है, राजस्थान राज्य के अंदर मौजूद है। ठीक है, तो माउंट आबू जो है बेटा वो किसकी हाईएस्ट पीक है, अरावली की हाईएस्ट पीक है, याद रखिएगा। ठीक है, अरावली रेंजेस की हाईएस्ट पीक है, याद रखिएगा ये चीज भी। ठीक है, तो जो नेशनल चंबल सेंचुरी है वो बेटा गंगा रिवर डॉल्फिन्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, अ वैरायटी ऑफ ऑर्चिड्स आर फाउंड इन माउंट आबू, और बहुत मतलब ऑर्चिड्स के जो टाइप्स हैं वो आपको माउंट आबू में देखने को मिलते हैं। और चंबल सेंचुरी की बात करते हैं तो ये किसके लिए हो जाएगा, आपका डॉल्फिन्स के लिए हो जाएगा। ठीक है, डॉल्फिन्स के लिए ये हो जाएगा, ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, गिर वाइल्ड लाइफ एस एंड कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर लोकेटेड, तो गिर जंगली गधा और कच्छ रेगिस्तान वन्य अभयारण्य कहाँ पर स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर गुजरात। सी ऑप्शन जो है बेटा वो आपका बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन आपका देखने को मिल जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है मैंने आज की पीपीटी में सारे के सारे और नेशनल पार्क से रिलेटेड क्वेश्चंस को आपके लिए लेके आया हूँ। बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, इसीलिए वीडियो को लाइक करें प्लीज़, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो जो गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो एशियाटिक लॉयन, कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फेमस है फ्लाइंग मिंगोज के लिए, कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो फेमस है वो इंडियन एस जिसको हम खुर के नाम से जानते हैं, तो जो आपका इंडियन एस होता है ठीक है तो उसको हम लोकल भाषा में खुर के नाम से जानते हैं, तो ये भी याद रखिएगा खुर। ठीक है, खुर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हाउ मैनी नेशनल पार्क आर देयर इन इंडिया, तो भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो यहाँ ऑप्शंस देखते हैं 100, 103, 106 और 108। तो भारत के अंदर बेटा कुल 106 राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं, कितने, कुल 106 राष्ट्रीय उद्यान आपको इंडिया के अंदर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, मेलघाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया, देखिए एक आपका हो जाता है मेलघाट वन्य जीव अभयारण्य और दूसरा हो जाता है बोर वन्य जीव अभयारण्य। अब ये भारत के किस राज्य के अंदर मौजूद है, तो ऑप्शंस देखते हैं यहाँ पर, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना। तो ये दोनों ही जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं बेटा ये आपके कहाँ पर है, महाराष्ट्र राज्य के अंदर मौजूद है। सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपका मेलघाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है बेसिकली ये टाइगर रिजर्व के लिए है, और जो बोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये भी आपके टाइगर्स के लिए, ये तो ये दोनों ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टाइगर्स के रिजर्वेशन के लिए बनाई गई है। फिर हम आगे क्वेश्चन देखते हैं कि विच इज द लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। ठीक है, तो चार ऑप्शंस दिए गए हैं, सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यान की बात करी गई है तो यहाँ पर बांधवगढ़ आ जाएगा आपका, जिम कॉर्बेट है ऑप्शन में, साइलेंट वैली है और हैमीस है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा बेटा वो क्या रहेगा आपका, हैमीस, यानी डी ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन रहेगा। हैमीस जो है वो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट नेशनल पार्क आपके इंडिया का है। वहीं पे अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ छत्तीसगढ़, तो निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ का वन्य जीव अभ्यारण नहीं है, तो छत्तीसगढ़ का इनमें से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन है तमोर पिंगला, सीतानादी, गौतम बुद्धा एंड अचान कमार। ठीक है, तो यहाँ पर जो गौतम बुद्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो आपका छत्तीसगढ़ में देखने को नहीं मिलती है, और बाकी जो तीन ऑप्शंस आपको दिए गए ये आपको तीनों ही छत्तीसगढ़ में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अब ये फेमस क्यों है, देखिए गौतम बुद्धा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है बेसिकली बेटा ये आपका बिहार के अंदर मौजूद है, ठीक है, ऑल्सो इन झारखंड, और इसका कुछ हिस्सा झारखंड के अंदर भी मौजूद है, और ये जो फेमस है वो एंटीलॉप्स और डियर्स के लिए फेमस है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बक्सा, लोथियन आइलैंड एंड हॉलीडे आइलैंड आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया, बक्सा, लोथियन द्वीप और हॉलीडे द्वीप भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो यहाँ पर ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शंस दिए गए हैं आपके उत्तराखंड, आपका वेस्ट बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा बक्सा, बक्सा नाम से ही पता लग रहा होगा बेटा, वेस्ट बंगाल के अंदर ये नेशनल पार्क फेमस है, तो यानी बी ऑप्शन जो है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा।
ठीक है। अब वेस्ट बंगाल जो है ये फेमस क्यों है, ये मैनग्रोव फॉरेस्ट के लिए फेमस है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वेयर इज द डॉक्टर सलीम अली बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड इन इंडिया। तो भारत में डॉक्टर सलीम अली पक्षी वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? ऑप्शंस देखते हैं यहाँ पे, गोवा, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना और केरला दिया गया है। ठीक है, तो डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी की जब भी बात आएगी तो वो गोवा के अंदर मौजूद है, यानी ए ऑप्शन जो यहाँ इस क्वेश्चन का बहुत करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि डॉक्टर जो सलीम अली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है बेसिकली वो आइलैंड ऑफ कोराओ इन मांडोवी रिवर, देखिए गोवा के अंदर एक बड़ी फेमस रिवर है मांडोवी रिवर, तो उसके पास एक आइलैंड है जिसको कोराओ आइलैंड कहते हैं, वहीं पर ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मौजूद है। ठीक है, जो कि डॉक्टर सलीम अली के नाम पे बनाई गई थी, जिनको हम पक्षी प्रेमी के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने पक्षियों का बहुत ज्यादा संरक्षण करने का प्रयास किया था भारत में। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड दारोजी स्लोथ बियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो एक तो आपका कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, दूसरा दाड़ोजी स्लोथ जो कि भालू के लिए फेमस है, वह भारत के कौन से राज्य के अंदर है? देखिए कावेरी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बेसिकली बेटा वो आपका कर्नाटका राज्य के अंदर है। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रिजल्ड हाईली एंडेंजर्ड जायंट स्क्विरल फाउंड इन कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो एक ग्रिजल्ड जो आपकी स्क्वायरल होती है, काफी बड़ी स्क्वायरल होती है, ठीक है, तो ये आपको कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में देखने को मिल जाती है। और वहीं बात करते हैं दारोजी स्लोथ बेयर, तो यहाँ पर दारोजी जो है आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहां पर आपको स्लोथ देखने को मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंजीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन तेलंगाना एंड इज फेमस फॉर। देखिए मंजीरा जो बेटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो तेलंगाना राज्य के अंदर मौजूद है, पर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि वो किस लिए फेमस है। ठीक है, यहाँ ऑप्शंस देखेंगे, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, मगर क्रोकोडाइल, ओरिनोको क्रोकोडाइल और घड़ियाल क्रोकोडाइल। तो बेसिकली वो मगर क्रोकोडाइल के लिए फेमस है। ठीक है, तो वो किसके लिए फेमस है? मगर क्रोकोडाइल के लिए फेमस है, ये याद रखेंगे। ठीक है, तो मगर जो क्रोकोडाइल है बेटा अर्थ के ऊपर लार्जेस्ट लिविंग क्रोकोडाइल स्पीस है, जिसको हम मैनिएटर क्रोकोडाइल के नाम से भी जानते हैं, जो कि आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? मंजीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। आपका कौन से राज्य में हो जाएगा? वो तेलंगाना राज्य के अंदर वो मौजूद है। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं, कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पुलिकेट लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, श्री लंका मलेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर फेम फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो आपका कोरिंगा, पुलिकट झील एंड श्रीलंका मलेश्वर जो वन्य जीव अभयारण्य है वो कौन से राज्य के अंदर मौजूद है? तो ऑप्शंस देखते हैं, यहाँ पे तमिलनाडु दिया गया है, आंध्र प्रदेश दिया गया है, तेलंगाना दिया गया है और कर्नाटका दिया गया है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका रहेगा वो क्या रहेगा? आंध्र प्रदेश इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों, बी ऑप्शन इसका यहाँ पर क्या रहेगा? करेक्ट आंसर रहने वाला है। ठीक है, तो जो फिर आंध्र प्रदेश में कोरिंगो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड व्हाइट बैक्ड एंड लॉन्ग बिल्ड वल्चर्स के लिए फेमस है, यहाँ पर बहुत कम क्वांटिटी में आपको देखने को मिलेंगे। वहीं बात करें पुलिकट लेक की, जो कि सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम है इंडिया का, चिल्का लेक के बाद। ठीक है, तो चिल्का लेक जो है वो सबसे बड़ा ब्रैकिश वाटर सिस्टम है, उसके बाद आपका पुलिकेत आता है जो कि आपका कहाँ पर? आंध्र प्रदेश के अंदर मौजूद है। अगर मैं बात करता हूँ लेक चिल्का की, जो कि आपका ओडिशा राज्य के अंदर मौजूद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेंदान थांगल लेक बर्ड्स इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया। तो वेंदांग थाल लेक बर्ड भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के अंदर स्थित है? तो ऑप्शन देखते हैं, केरला, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और तमिलनाडु। तो यहाँ करेक्ट आंसर आपका रहेगा दोस्तों तमिलनाडु ऑप्शन, यानी डी ऑप्शन जो है यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ इसके फैक्ट्स के बारे में, जहाँ पर वेंदांग थांगल बर्ड सेंचुरी जो कि 30 हेक्टेयर एरियाज के अंदर फैली हुई है, जो कि प्रोटेक्टेड एरिया आता है, जो कि मदुरन तकम ताल्लुक जो है चेन्नागपत्तू डिस्ट्रिक्ट जो कि तमिलनाडु में है वहां पर ये मौजूद है। वहीं अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया। तो आपका दिबांग वन्य जीव अभयारण्य और ईगल नेस्ट वन्य जीव अभयारण्य भारत के कौन से राज्य के अंदर मौजूद है?
ऑप्शंस देखते हैं, यहाँ पे आपको दिया गया है तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, या सभी इसके करेक्ट आंसर रहेंगे। तो दिबांग जो है बेटा वो आपका अरुणाचल प्रदेश के अंदर मौजूद है, तो बी ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है बेसिकली रेड गोराल्स के लिए और रेड पांडा के लिए और मिशिमी ट्रेकिंग के लिए फेमस है। और अगर मैं बात करता हूँ ईगल नेस्ट की, इट इज अ पार्ट ऑफ कामेंग एलिफेंट रिजर्व। ठीक है, तो जो बेटा आपका कामेंग एलिफेंट रिजर्व एरिया है वो ईगल नेस्ट जो है वो उसका एक पार्ट है, ये चीज याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सिटी बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो जो सिटी बर्ड सेंचुरी है भारत के निम्नलिखित में से कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे लक्षद्वीप दिया गया है, गोवा दिया गया है, चंडीगढ़ दिया गया है और दिल्ली दिया गया है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या रहेगा, चंडीगढ़ के अंदर ये मौजूद है, याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो सी ऑप्शन जो करेक्ट है, सिटी बर्ड सेंचुरी जो है वो आपका कहाँ पर है, चंडीगढ़ में मौजूद है, याद रखेंगे। अब चंडीगढ़ ये जो सिटी बर्ड सेंचुरी है इसको हम पैरट बर्ड सेंचुरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जो कि बेसिकली पैरट्स की कंजर्वेशन के लिए इसको बनाया गया था। अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर देयर इन इंडिया। तो भारत में कितने वन्यजीव अभयारण्य मौजूद हैं, तो वो है बेटा 573, यानी 573 जो वन्यजीव अभयारण्य है भारत के अंदर मौजूद हैं, जो कि ऑलमोस्ट 1,23,762 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को कवर करते हैं, जो कि इंडिया के 3.76% ज्योग्राफिकल एरिया को कवर करते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू नेशनल वाइल्ड लाइफ डेटाबेस सेंटर नवंबर 2023, ऑलमोस्ट अनदर 218 सेंचुरीज आज प्रपोस्ट इन प्रोटेक्टेड एरिया। तो अभी आने वाले टाइम में 573 में प्लस हो जाएंगे 218 जो कि प्रपोज्ड है, आने वाले टाइम में इनको ऐड किया जाएगा। इनको ऐड करने के बाद ऑलमोस्ट 16,829 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है वो प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर आपका बढ़ जाएगा। पर अगर मैं बात करता हूँ मई 2016 की, तो देर इज ओनली 565, बट याद रखिएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर 573 ही रहेगा आपका। सो आई होप गाइज आज की वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी आपको, एंड यहाँ तक आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको DSSSB PGT ज्योग्राफी से रिलेटेड MCQs क्वेश्चंस इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। एंड रेड बटन जो है सब्सक्राइब का वो प्लीज़ क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।